सड़की हादसे के बाद नौगांव में एसडीएम, एसडीओपी व आरटीओ की संयुक्त टीम द्वारा शुरू की वाहन चेकिंग। नौगांव सीधी में नहर में बस गिरने से परिवहन विभाग की आंखें खुल गई हैं। परिवहन आयुक्त और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर जिले में भी बसों की चेकिंग का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम आज शनिवार को छतरपुर के नौगांव में थाने के सामने हाईवे पर बसों की जांच की गई। खासतौर से ओवरलोडिंग, फिटनेस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आदि जांचे गए। एसडीएम विनय द्विवेदी ने बताया कि यात्री वाहनों की चेकिंग की गई। जांच के दौरान चार गाड़ियों की फिटनेस ओवरलोडिंग, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इमरजेंसी गेट चेक की गई। वहीं करीब एक दर्जन बसों पर चालानी कार्यवाही करते हुए राजस्व वसूला गया है। इसके अलावा विभिन्न धाराओं के तहत अन्य कार्यवाहियां की गई हैं। एसडीएम के मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले बस चालकों और मालिकों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। इस कार्यवाही में एसडीएम विनय द्विवेदी, एसडीओपी कमल कुमार जैन, तहसीलदार पीयूष दीक्षित, थाना प्रभारी संजय वैद्या, बड़ागांव चेकपोस्ट से आरक्षक राहुल गौतम सहित सदर पटवारी हरिनारायण शर्मा भी उपस्थित रहे। बुंदेली न्यूज। यहाँ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? माननीय कलेक्टर महोदय एवं एसपी महोदय के निर्देशानुसार आज हम लोग एसडीओपी साहब, टीआई साहब, तहसीलदार साहब, सभी लोगों ने नौगांव थाने के सामने वाहन चेकिंग के लिए एक अभियान के तौर पर काम कर रहे हैं। जो ओवरलोडिंग है और फिटनेस भी चेक कर रहे हैं, कुछ इसमें पाया जाता है तो उनकी कार्रवाई, चालानी कार्रवाई की जा रही है। सर ये अभियान आज ही भर चलेगा कि आगे लगातार चलता रहेगा? इस प्रकार से। थैंक यू।